फ्रेंड्स, वेलकम टू तृप्ति किचन कॉर्नर। मैं हूँ तृप्ति। आज की रेसिपी है मीठे और तीखे साबूदाना। ये व्रत के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। जो लोग व्रत में नमक नहीं खाते उनके लिए, और जो लोग खाते हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। इस रेसिपी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये साबूदाना मीठे के साथ साथ तीखे भी है, बट इसमें नमक नहीं है और ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी रेसिपी कि ये कैसे बनती है। मीठे साबूदाना बनाने के लिए ये एक कप साबूदाना लिया है। ये छोटा वाला साबूदाना है, इसको मोती साबूदाना भी कहते हैं। ये देखिए, ये छोटा साबूदाना होता है। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत खिला खिला बनता है। एक कप साबूदाना लेंगे, इसे पहले अच्छे से वॉश करेंगे। इसे वॉश करने में कोई इसका स्टार्च नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता है। इसे अच्छे से वॉश करेंगे। ये अच्छे से वॉश हो चुका है। अब इसमें एक कप पानी डालेंगे। एक कप साबूदाना में एक कप पानी। जो बाकी के बड़े साबूदाना आते हैं साइज में, जो थोड़े बड़े होते हैं, ये सबसे छोटे साइज का है। एक मीडियम साइज का आता है, उससे भी बड़े साइज का आता है, उसे भी आप सेम प्रोसेस में बना सकते हैं। उसको वॉश करना है अच्छे से, उसका स्टार्च निकालना है। इसके बाद में जितना आपने साबूदाना लिया है उतना ही पानी आपको डालना है। अगर आपने एक कप साबूदाना लिया है तो आप एक कप पानी में ही उसको सोक करेंगे। इसे 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं अच्छे से सोक होने के लिए। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, साबूदाना चेक करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सोख हुआ है साबूदाना। ये देखिए, अब मीठे साबूदाना बनाते हैं। ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार होती है। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। पैन गरम करेंगे, 1 से 1.5 टेबल स्पून घी डालेंगे। इस रेसिपी को घी में ही बनाइएगा, इसमें स्वाद आता है, टेस्ट आता है। घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। इस रेसिपी में थोड़ा ट्विस्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये रेसिपी मीठी के साथ साथ थोड़ी तीखी होगी, पर नमक नहीं होगा इसमें। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब मूंगफली के दाने डाल देंगे, ये लमसम 1/4 कप है। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम में नहीं करना है, वरना मूंगफली के दाने और जीरा वगैरह जल जाएगा। अब सोक किए हुए साबूदाना डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे ढक के पकने देंगे। तब तक साबूदाना पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिखने लगता। 4 से 5 मिनट ढक के पकाना है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब चेक करते हैं। अब इसमें शक्कर यानी कि शुगर मिलाएंगे, 3 टेबल स्पून शक्कर। शक्कर अब अपने हिसाब से मिला सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर 2 से 3 मिनट ढक के पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब चेक करते हैं। अब इसमें हरी धनिया मिलाएंगे। देखिए मीठे साबूदाना बनके तैयार है। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं। जैसा कि मैंने बोला था, इसमें ट्विस्ट है, ये मीठे के साथ साथ तीखे हैं, बट इसमें नमक नहीं है। ये देखिए, और कितनी जल्दी ये रेसिपी बन गई। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए बनके तैयार है मीठे साबूदाना। आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है देन प्लीज प्रेस बेल बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रेसिपीज एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू।